Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकता है मैं हूँ अभी कहाँ पर. तो मैं हूँ एक पहाड़ी जगह पर जहाँ मतलब थोड़ा सुनसान प्लेस. इधर पे भी मतलब आदमी पर भी बहुत ही कम आता है और इधर से भी बहुत कम आता है. तो हम इस जगह पे आया है आज कुछ नया चीज ट्राई करने के लिए. तो इधर पे आया है मेरा दोस्त और दिस इज आवर बाइक. तो हम इधर पे बाइक पूरा मतलब लॉक वॉक करके रख दिया है. तो हम जाएंगे अभी एक अनोखे जगह में एक अनोखे कंटेंट की तलाश में. तो गाइस चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं. तो गाइस इधर पे आप देख सकते हैं मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि इधर पे कुछ भी हो सकता है. तो हम इस नदी से जाएंगे अंदर की तरफ. पूरी पहाड़ों की इलाका है, पूरा पहाड़, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ पहाड़. तो हम जाएंगे इस जगह से आगे की तरफ. इसको डर वर नहीं लगता है तो इसीलिए इसको लेके आया है, इसको डर नहीं लगता है. तो ये बहुत ही ज्यादा घने जंगल, तो इधर पे कुछ भी निकल सकता है. हाथी भी निकल सकता है, टाइगर भी निकल सकता है. तो गाइस थोड़ा डरावना जगह है लेकिन हम थोड़ा दिन में आया है तो कोई बात नहीं. इतना भी डरने का कोई बात नहीं. थोड़ा दिन में आया हूँ, रात में आने से तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता. तो गाइस मुझे लगता है कि कैमरे से इतना ज़्यादा ये डरावना नहीं लग रहा है लेकिन गाइस असली में ये जगह सच में बहुत ही डरावना. मेन चीज की इधर पे कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो एक पूरी तरीके से एक ये जंगल, और ये जो जंगल है ये है अरुणाचल की पहाड़ों में ऐसे ही जगहों से गुजर रहा है. सावन सुन सकते हैं आप, बाबा रे बाबा. तो गाइस इधर पे एक चीज देखा, इधर पे हमसे पहले भी और कोई लोग आया था जिसमें ये लोग ऐसा बना के इधर पे पानी वानी पिया था और ऐसा ही कुछ रखा है इधर पे. तो हमसे भी पहले इधर पे बहुत ही लोग आ चुका है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो गाइस आप ऐसे जगह पे आ सकता है जिधर पे जीने का मतलब कोई भी रिक्स नहीं है. तो गाइस इधर पे आप आ सकता है और कुछ भी कर सकता है. कोई भी इधर पे आपको दिखने वाला नहीं होगा. तो गाइस हम इतना देरी रोका अभी तक तो एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया इधर पे. एक इंसान तो क्या, एक जानवर भी दिखाई नहीं दिया. तो गाइस ऐसे आते आते हमको एक चीज दिखा, बहुत ही कमाल का चीज. मतलब ये देखिए, ये झरना का स्ट्रक्चर देखिए भाई. ओ माय गॉड, पत्थर की अंदर से. तो गाइस इधर पे ये जो शीशा दिख रहे हैं ना, ये बड़ा बड़ा जो चीज दिख रहा है ये पत्थर नहीं है भाई, ये मिट्टी का बना है. मिट्टी का, उनको मैं दिखाता हूँ. ये देखिए ये ऐसे निकल जाता है, ये मिट्टी का है. ओ भाई ओ माय साहब, दिखने में पत्थर जैसा लगता है लेकिन गाइस ये पत्थर नहीं है, पूरा मतलब मिट्टी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर. तो गाइस देखिए कितना मतलब कितना अजूबा तरीका से बना के रखा है. मतलब बना के नहीं रखा है, बन के रखा है. ये सब नेचर का क्रिएचर भाई साहब. ओ माय गॉड, पानी जो है भाई बहुत ठंडा है, आप इसको ऐसे करके पी भी सकते हैं, स्वादिष्ट. तो गाइस जिन लोगों को जंगलों से डर लगता है ना, वो सब मतलब ऐसे जगह पे आने से मतलब भाई साहब खत्म हो जाएगा डर की वजह से. तो गाइस ये सब जगह आप देख के मतलब अंदाजा लगा सकता है कितना भयंकर जगह है. अभी तो दिन हो रहा है, रात के टाइम पे और भी ज्यादा ये सब जगह भयंकर लगता है. तो गाइस इस तरफ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, हमको चिल्लाने से भी कोई हमारा आवाज नहीं सुनेगा. और इस तरफ तो आप देख सकते हैं भाई साहब, ओ माय गॉड. तो गाइस इस तरफ देख सकते हैं इतना घने जंगल, और आगे की तरफ रास्ता, दो रास्ता है, एक इस तरफ है एक इस तरफ. और इधर पे एक चीज है जो एक झरना की तरफ, ये है एक छोटा सा झरना जो ऊपर से पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ पानी. देख सकते हैं कितना मतलब कितना एक क्लियरिटी है पानी में. चलो भाई जाते हैं इस तरफ और भी आगे. तो हमारा भाई साहब जा रहे हैं आगे आगे. तो मुझे तो थोड़ा डर भी लग रहा है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा. तुझे डर नहीं लग रहा क्या इधर जाके? तो इसको डर भर नहीं लगता है तो इसलिए मैंने इसको स्विच किया और इसको उठा के लाया बाइक के पीछे. तो हम ये सब डरावना चीज देख के, डरावना जगह देख के हम इधर पे डर के मारे जाने लौट के जाने वाला नहीं है. तो हम मतलब आज दिल पे ठान के आया है कि गाइस जो भी हो जाए, हम जब तक हमारे सामने कुछ मुसीबत ना आए तब तक हम चलते रहेंगे, जाते रहेंगे और भी जाएंगे इस तरफ से. अभी चलो कितना दूर से आ सकता है, अभी तक बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका है हम. मतलब बाइक से लगभग तो 2 किलोमीटर आ चुका है चल के ऐसे ही. तो गाइस हमको पहले इतना डरावना जगह नहीं मिला था, इतना ऐसा जगह नहीं मिला था लेकिन अब बहुत ही
ओ भाई साहब, तो आके क्या दिखाई दे रहा भाई? ओ बा पूरी बाबा, हो बाबा रे बाबा, ये सब जंगल, इस तरफ जंगल, इस तरफ जंगल, पीछे की तरफ जंगल, मेरे माथे के ऊपर जंगल, मेरे पैर के नीचे जंगल, मतलब जंगल ही जंगल जंगल। तो भाई ये है एक बहुत ही ऊंचा टूटा हुआ पहाड़। तो गाइस आपको फोन की कैमरे से मतलब कैप्चर नहीं हो रहा है कितना ऊंचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, मालूम नहीं पड़ रहा है कितना ऊंचा है, आप रियलाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन गाइस रियल में ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, मेरा जैसा 100 लगा देने से ही मतलब ऊपर पहुँच गया। तो भाई साहब, तो गाइस हम इस पहाड़ में इतनी ऊंचा तक तो नहीं उठ सकते, लेकिन गाइस थोड़ा उठने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वो आधे तक मतलब। तो गाइस चलिए उठते हैं थोड़ा आधे तक। ओ भाई साहब, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्सी, वो भाई मिट्टी धस जाएगा भाई। गाइस उतरने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिक्स हो जाता है। तो गाइस चलिए हम उठते हैं, फिर भी हम हार मानने वाले ऐसे नहीं है। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, तो मेरा राजन ने फोन पकड़, ओ भाई साहब। तो गाइस मैं गिर जाऊँ लेकिन मेरा फोन गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए अपने सारे चीज को रिक्स में रखते हुए अच्छी से पकड़ते हुए हम चल रहे ऊपर की तरफ। ओ माय गॉड, तो गाइस इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इस जगह से आप देख सकते हैं नीचे का व्यू कितना ऊपर आ गया मैं, ये रहा नीचे का व्यू, वो रहा हमारा भाई साहब जो मेरा सर आया है, और ये रहा स्काई का व्यू, और ये रहा इस तरफ का नज़ारा। तो अभी हमको इधर से उतरने का बारी। तो गाइस नीचे बहुत ही ज़्यादा खाई है, बहुत ही ऐसा है, तो इधर भी आपको बहुत ही रिक्स से बहुत ही धीरे धीरे जाना पड़ेगा। मैं सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा भी कुछ देख सकूँ, मेरेगा ऐसे भी कुछ करने को मेरा मन करेगा, तो इसलिए मैं लगा के आया हूँ चप्पल। तो गाइस ऐसे जगह में आने से मतलब आपको जूता और हाफ में लगा के आना चाहिए, तो ये आपको मतलब रियल एडवेंचर का फील जो है आपको मिलेगा। तो मैं चारों वक्त धीरे धीरे से नीचे की तरफ, ओ माई गॉड। तो गाइस थोड़ा तो है डरावना, थोड़ा तो है मतलब ना। तो गाइस आप अगर ऐसे जगह में आते हो तो आपको अट्रैक्टिव सा कुछ लुक मिलने को देखने को मिलता रहता है, तो इसलिए आपको ये देखिए। ओ भाई साहब, मुझे ना झुक के देखने में भी थोड़ा डर लग गया भाई। ओ भाई साहब, थोड़ा चलो आगे चलो, माय गॉड। तो गाइस आपको इस वाले कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, इतना आपको वो फील नहीं आ रहा है जितना मैं खुद ले पा रहा हूँ फील। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है भाई। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा घने जंगल, नहीं जाएंगे आगे और ऐसे मिलता रहेगा, थोड़ा डर लग गया सच्ची बोलो भाई, ये बहुत ही खतरनाक है, नहीं जाएगा इसमें, जाने से कुछ तो होने वाला है हमारा साथ। तो गाइस नहीं जाएगा इसमें, अगर वो एक भाई साहब बोला था हमको आने के टाइम में, इधर पे ना हाथी भी निकलता है और साथ ही साथ बहुत सारा कुछ एनिमल्स भी। तो गाइस हम ज़्यादा रिक्स नहीं लेंगे और फिर लाइफ है भाई, जीना है, तो अभी हाथ पैर मतलब तुरवा लेंगे तो बाद में क्या करेगा भाई। तो गाइस चलो इधर से अभी चलते हैं। तो गाइस बहुत दूर चल गया है भाई, तो इधर पे थोड़ा रेस्ट किया है, तो जिसने मैं बेच रहा हूँ ये पत्थर नहीं है, पहले बोला मैं ये मिट्टी का बना हुआ है एक चीज। और एक बात, इस जगह में कोई नेटवर्क वितरक नहीं मिलता है, जिस भी सिम का हो नेटवर्क इधर पे नील, मतलब पूरा कट आता है नेटवर्क, मतलब थोड़ा सा भी नेटवर्क इधर पे नहीं मिलता है। तो गाइस इस खूबसूरत सा वीडियो को करते पे खत्म, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि गाइस इस चैनल में आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो देखने को मिलेगा, जो मतलब दूसरी ब्लॉगर से मतलब थोड़ा अलग, ठीक है, थोड़ा अलग सा देखने को मिलेगा मेरा, क्योंकि गाइस मेरे पास पैसा जो है ना बहुत ही कम, पैसा नहीं है मेरा पास, तो गाइस इसी पैसा कम होने की वजह से मेरा वीडियो तो अलग लेवल का होता है, मतलब खर्चा वाला नहीं होता है, बिना खर्चा वाला होता है। तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इधर में भाई पहले जा रहा है, तो गाइस अभी मैं भी निकल चुका हूँ, और ये जगह जो था एक नंबर डरावना। तो गाइस चलो चलते हैं अभी घर।